दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आप मुझे देख रहे हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। आज हम बीएसपी की रैली को कवरेज करने के लिए पहुंच चुके हैं चंदौली। दोस्तों कवरेज करने के लिए हम निकल चुके हैं और ये इस वक्त हम कार में बैठे हुए हैं, तो वो भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ से जो लोगों से बातचीत करेंगे उस बारे में भी दिखाएंगे, तो बने रहिए। दोस्तों बसपा की कवरेज करने के लिए हम पहुँच चुके हैं चरौली और आपको हम दिखाते हैं कि जो लोग हैं बसपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आना शुरू कर दिया है और जो बसपा के नेता हैं वो भी आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, यहाँ पे जो भी बसपा के नेता जो कार्यकर्ता आएंगे वो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। और ये आप देखिए कि जो बसपा के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। ये आप देखिए जो नेता हैं वो यहाँ पे लोगों को व्यवस्था बताने का काम कर रहे हैं। और हम इसी लॉन में आज मिल चुके हैं जहाँ पे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा आने वाले हैं। और ये देखिए कुर्सियाँ लग चुकी हैं और हम काफ़ी पहले पहुँच चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुर्सियाँ भी दिखाने का काम कर रहे हैं। ये कुर्सियाँ भी भर जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका आवागमन लगातार जारी है, महिलाएँ भी आ गई हैं। चाचा क्या हाल है? ठीक। इसमें आए, मीटिंग में आए क्या? क्यों मीटिंग में आए? कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ये कोऑर्डिनेटर है जो यहाँ आए हुए हैं। और ये आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो कुर्सियाँ हैं अभी तो खाली हैं, लेकिन जब सतीश चंद्र मिश्रा आएंगे तो ये भर जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे लोग झंडा लेके और यहाँ महिलाएँ सब बैठी हुई हैं और सामने सतीश चंद्र मिश्रा स्पीच देंगे और उसी को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि 2022 में बसपा की सरकार ही बनेगी पूर्ण बहुमत से। तो और भी हम आगे की अपडेट दिखाते रहेंगे, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। धन्यवाद।